प्यारे बच्चों, हम अभी जो करेंगे ना, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एंड बिलीव करो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बहुत सारे पीवाईक्यू लिया है मैंने, मतलब पीवाईक्यू भी होगा और इसके कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन करेंगे हम, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस। अब ये ना क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे ऐसा ऐसे कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट ये होता है, कैसा कई बार कहते हैं कि भाई देखो, दो चार्ज है, मान लो Q1 Q2, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है मान लो R, तो इनके बीच में कोई फोर्स है मान लो F। फोर्स क्या है? F। अब कहेंगे अगर इसको हम किसी मीडियम में ले जाएंगे, मीडियम मतलब पानी में ले गए या हमने डीजल पेट्रोल कहीं भी ले गए, तो फोर्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी? तो जो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इन एयर या फिर फोर्स इन वैक्यूम, या जो भी पुराना वाला फोर्स है, ओल्ड फोर्स बोल रहा हूं मैं, ओल्ड फोर्स, जो भी ओल्ड फोर्स है उसको कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम होता है। क्या बात समझ में आ गया? तो अगर हम इस क्वेश्चन की सोल्यूशन को करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन करें, तो बोला है कि देखो दो पॉइंट चार्ज है, पढ़ो इसको, टू पॉइंट चार्जेस एक मीटर की दूरी पर रखा हुआ है और 8 न्यूटन का फोर्स है। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर, अगर उनको वाटर में रख दे तो। और बोला है कि देखो वाटर का जो कांस्टेंट है 80 है, तो आप बोलोगे मुझे फोर्स मीडियम में निकालना है। तो फोर्स ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है, मीडियम मतलब कोई भी पानी डीजल कुछ भी, अगर आपको मीडियम का फोर्स निकालना है प्यारे बच्चों, तो यहां पे लिखोगे एफ डब्ल्यू, फोर्स ऑफ वाटर। ओल्ड फोर्स कौन सा ओल्ड है? ओल्ड मॉन्क नहीं है पहली बात तो, यहां ओल्ड फोर्स है, तो यहां पर 8 आएगा और नीचे कांस्टेंट कितना है 80, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 1/10 क्या हो जाएगा, 1/10, तो ये 0.1 क्या हो जाएगा, ये 0.1। क्या बात समझ में आ गया? तो फटाफट से नोट कर लो या समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। तो यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, पहला प्रॉपर्टी तो बेसिक ये होता है कि दे आर एडिटिव, एडिटिव इन नेचर, एडिटिविटी, कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या हो सकती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बताओ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और जो आपको मन करे वैसा आप लिख सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऐसा हम इसको इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक ये है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि Q1 प्लस Q2 यहां पर जीरो होगा, ठीक है, यहां पर जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, अगर कहीं पे लिखा है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो, ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि Q1 और Q2 दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तभी तो आंसर जीरो आएगा। तो हम बोलेंगे अगर एक -3 दूसरा क्या होगा? +3, तभी आंसर क्या आया है? जीरो। तो इससे आंसर क्या नहीं होगा, इसका आंसर इसका होगा व्हाट सिग्निफाई, तो सिग्निफाई कर रहा है बोथ। चलो इसका आंसर प्रॉपर वे में लिखते हैं, जैसे हमने इसका आंसर लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर टू में सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा ये होगा, इट सिग्निफाइज दैट Q1 इज इक्वल टू -Q2, मतलब Q1 और Q2 आपस में क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। तो यही इसका सिग्निफिकेशन है। आप चाहो तो वर्ड्स में लिख सकते हैं, वर्ड्स में, कि Q1 एंड Q2 आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट। और दूसरा क्या है बता रहा है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका क्या मतलब है? दूसरा ये मतलब है कि हम चार्ज को जोड़ सकते हैं, जोड़ा है तो हमने, दूसरा ये हो सकता है इसी के अंदर, ऑल एंड चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज कैन बी एडेड। देखो अगर ये किसी बच्चे को पढ़ के नहीं गया है, उसको तब भी आंसर कर देगा कि Q1 प्लस Q2 है, क्या दिख रहा है कि चार्ज को ऐड किया गया, दूसरा जीरो आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट है, तभी जोड़ के आंसर क्या आया है? जीरो। इसे नोट कर लो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मतलब समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ऑफ अ चार्ज कंडक्टर बी नॉर्मल टू द सर्फेस। कह रहा है अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के 90 डिग्री पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होना चाहिए? कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर क्यों होना चाहिए, कोई रीजन बताओ। तो रीजन बहुत सिंपल है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे नहीं हुआ तो यहां पर एक करंट सेटअप हो जाएगा। क्या सेटअप हो जाएगा? मान लो हमने कहा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं है,
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तिरछा है तिरछा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा ना वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन घूम जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे मूवमेंट में आएंगे हमें करंट लगेगा, क्या लगेगा? करंट। यानी कि तुम पार्क में बेंच पर बैठे और मेरी बात ही समझे, करंट लग गया, कि पार्क पर बेंच में बैठे और करंट लग गया। पर रियल में क्या ऐसा होता है? नहीं होता। पार्क में बैठ के बेंच पे करंट नहीं लगता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही ऐसे होगा, समझे? तो इसका आंसर मैं अभी फटाफट लिखता हूं कि क्या इसका आंसर है। देखो सिंपल सा आंसर बताऊं तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे नहीं हुआ तो कंडक्टर के अंदर करंट होगा हमेशा, पर रियल में हमेशा करंट नहीं होता, मतलब पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर है, ऐसे नहीं है। तो यही इसका रीजन है, इसको लिखते हैं फटाफट। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर देन ड्यू टू कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देर विल बी करेंट इन कंडक्टर बट इन एक्चुअल देर इज नो करेंट। अगर रियलिटी में कोई करेंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इफ क्या लिखा है, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर तो करेंट होना चाहिए, देर विल बी करेंट बट इन एक्चुअल नो करेंट, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर ही है। मैंने ट्राई किया समझने का, अगर समझ गया तो अच्छी बात है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हूज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम, इट इज स्केलर और वेक्टर, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, जूल पर कूलम की बात कर रहा है वो। नेम अ फिजिकल क्वांटिटी हूज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम, सोचो जूल पर कूलम हूज एसआई यूनिट इज, देखो जूल पागल, जूल ऊपर जूल है और नीचे है कूलम, जूल का होता है वर्क या एनर्जी और कूलम मतलब चार्ज, तो वर्क अपन चार्ज पता क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, क्योंकि वर्क, समझे मेरी बात को? नहीं समझे? तो इसका आंसर है पोटेंशियल, क्या नाम है इसका? तो नेम द फिजिकल क्वांटिटी, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका जूल पर कूलम होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया आंसर। फिर इट इज स्केलर और वेक्टर, तो बोलेंगे हम ये स्केलर होता है, क्या होता है? स्केलर। तो ये हो गया हमारा, दोनों आंसर हो गया कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और स्केलर और वेक्टर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, स्केलर है। देखो अभी कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बार बार, अभी मैंने कल एक लेक्चर लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिख गया था, दिस आर द बेस्ट क्वेश्चन। लिखा है कंसिडर टू कंसेंट्रिक स्फीयर एस वन एस टू, चार्ज टू क्यू एंड फोर क्यू है, S1 के अंदर 2q है, S2 के अंदर 4q है, डिफाइन आउट द, फाइंड आउट है ये डिफाइन नहीं, पहले बता रहा हूं फाइंड आउट है ये, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। तो देखिए आपको पता होगा फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं पहले से निकालू एस वन से, तो एस वन वाले को बोल रहा हूं फाई वन, तो फाई वन से कितना हो जाएगा 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा सरफेस है अपना, अगर दूसरे सरफेस की हम बात करें S2 से, तो S2 के अंदर 2q भी है और 4q है, तो 6q by epsilon naught, जब इसको डिवाइड करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 1/3, तो डिवाइड करने से कट जाएगा सारा, 1/3 आएगा। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंजेस, कैसे S1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इन साइड एस वन, क्या रहे? अगर एस वन के अंदर हम मीडियम डाल दे, क्या डाल दे? मीडियम। तो एस वन के अंदर अगर हम मीडियम डाल दे तो कैसे फ्लक्स चेंज होगा? तो हम बोलेंगे देखो भैया, सेकंड का सोल्यूशन देखो, हम बोलेंगे देखो पहले जो फ्लक्स था, जो पहले फ्लक्स था वो था 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो फाई वन था, फाई वन पहले वाले का फ्लक्स, और जब मीडियम डाल देंगे तो मीडियम डालने से पता क्या हो जाएगा, मीडियम डालने से ऐसा होगा कुछ, देखो हम लिखेंगे फाई डैश, फाई वन डैश 2q बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह पर मीडियम का कांस्टेंट है ER, तो यहां पर आ जाएगा ER, क्या आ जाएगा? ER, समझे मेरी बात को? तो ये जो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एक और कांस्टेंट आ जाएगा, मीडियम का कांस्टेंट। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है सुन लो। तो मैं बोल दे रहा हूं ऐसे सरफेस जिस पर पोटेंशियल हमेशा सेम रहे, पोटेंशियल हमेशा इक्वल रहे, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। देखो क्या लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल इज इक्वल, हमेशा इक्वल, देखो इक्विपोटेंशियल, जहां पोटेंशियल हर जगह सेम रहे।
इसको अभी लिख देंगे हम बाद में। फिर आगे लिखा है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कभी भी दो प्रॉपर्टी बता दो, तो बता रहा हूं, देखो सुनो मेरी बात को। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ध्यान देंगे सारे बच्चे, कि पोटेंशियल सेम होता है हर जगह। पहली प्रॉपर्टी देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी बताओ, तो पहला तो ये कि पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, सुन लो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लिया हमने कि यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर आप किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर जाओगे ना, ए से बी पर जाओगे, मूव करोगे किसी चार्ज को लेके, मान लो हम किसी क्यू नॉट चार्ज को लेके जा रहे हैं, ए से बी तक किसी चार्ज को लेके जा रहे, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वर्क जीरो होता है यहाँ पे। तो सारी बातों को मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, पहली तो इसको डिफाइन करेंगे, दूसरा ये दोनों प्रॉपर्टी लिखेंगे, आप भी मेरे साथ लिखेंगे ताकि आपको मजा आए। सो यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर हम क्या क्या, पहली बार तो डेफिनेशन थी लिख दिया हमने, द सर्फेस एट विच पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब सेम रहे एट एवरी पॉइंट। अब प्रॉपर्टीज में मैंने बहुत सारी लिख दी है, आपको दो सिलेक्ट करना जो इजी लगे आपको। पहला कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, वर्क डन जीरो होता है। दूसरा पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तीसरा क्या लिख दिया मैंने, चौथा इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी ना, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां सरफेस दूर दूर होगा, समझे मेरी बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एग्जांपल देखो, अब ये देखो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्योंकि सब पास पास है, और दूर हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम। तो छोटी सी बात थी, नोट कर लो। सो प्यारे बच्चे देखो, लिखा है ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहां पर कि यहां पर लिखा है क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, प्यारे बच्चों, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब होता है क्यू जीरो से बड़ा होने का मतलब है कि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। जब भी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने को आए, ऐसे बनाना यू यू यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाना उसके परपेंडिकुलर निकलता हुआ। मेरी बात समझे नहीं समझे, तो ये बन गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम। अगर एक नेगेटिव के लिए हम बनाए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा बनेगा, माइनस क्यू चार्ज है तो ऐसा डायग्राम बनेगा। देखो इसमें आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाना है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम है, प्लस के लिए माइनस के लिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डाइपोल के लिए भी आता है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझे नहीं समझे। इससे निकलते हुए दिखाना, चलो मैं बना रहा हूं, साफ बना देता हूं बड़ा सा, या चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं ये, कि डाइपोल के लिए आप खुद कर लेना। ठीक है, डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल, ये कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट एस आई यूनिट। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट एस आई यूनिट। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसको इट इज, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। आप लोग लिखो, फिर मैं लिखूंगा आपके साथ, पहले आप लोग लिखो। okay. ध्यान दो, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या बन गया, ये देखो, इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। राइट इट ऐसा यूनिट, देखिए ऐसा यूनिट पता क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट होता है इसका, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला सुन लो, पहले फॉर्मूला होता है, देखो कभी भूल जाओ तो, बी ए होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, ये होता है न्यूटन पर कूलम, ये होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे इग्नोर करते हैं। सो प्यारे बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग,
और अमेजिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक्स एंड वाई, कह रहा है एक एक्स नाम का कैपेसिटर है और एक वाई नाम का कैपेसिटर है एंड उनके बीच में ठीक है द सेम एरिया, एरिया सेम है एक्स का और वाई का भी एरिया सेम है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है डी है वो भी सेम है। एक्स हैज एयर, एक्स के अंदर एयर भरा हुआ है, लेकिन जो वाई है, वाई ये वाई है, वाई का क्या है देखो, वाई ये एक्स है ये वाई है, इसका एरिया भी ए है इसका डिस्टेंस भी डी है, लेकिन वाई के अंदर क्या भर दिया देखो, एक्स हैज एयर बिटवीन द प्लेट एंड वाइल वाई हैज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फोर, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी वैल्यू है फोर, तो ये मीडियम के साथ है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कॉम्बिनेशन इज 4 पिकोफैरेड। इनको ना सीरीज में लगाया गया, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम सीरीज का है, मुझे क्वेश्चन याद है, इस क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट था, ठीक है, तो मैंने कहा इन दोनों को सीरीज में लगाया गया है और कहा गया है कि भाई साहब इसके अंदर ना एयर है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है 4 पिकोफैरेड, तो आपसे इनका वो पूछा है कैपेसिटेंस, क्या पूछा है, तो आप इसको इसका मान लो C1, क्या मान लो इसका, और C1 की वैल्यू निकालो, तो C1 की वैल्यू निकालोगे तो पता क्या आएगा, एरिया अब सैलन नॉट और डिस्टेंस है डी, इसका कैपेसिटेंस निकालोगे तो पता आएगा C2, एरिया अब सैलन नॉट डिस्टेंस डी, पर यहां पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट से क्या होगा, अब सैलन नॉट के बगल में हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, क्या था डाइलेक्ट्रिक, तो यहां पर आएगा 4, यहां पर क्या आएगा 4, मेरी बात समझ पा रहे हो, तो अब क्या होगा, मेरी बात सुनो, तो हमने C1 निकाल लिया, C2 निकाल लिया और यही हमें फाइंड करने का है, यही हमें, पर हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ना ए पता नहीं है, डी नहीं पता है, ए नहीं पता डी नहीं पता, तो दिमाग लगाते हैं, हमने कहा देखो भाई उसने ये दे रखा है कॉम्बिनेशन, क्या दे रखा है उसने, दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो आप क्या करो, आप बोलो कि ठीक है अगर दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हमें जानते हैं कि 1/CNet जो होता है, क्या बोला मैंने, जो 1/CNet होता है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2, तो आप क्या करोगे, आप यहां से C1 की वैल्यू डालोगे, C2 की डालोगे, 1/CNet कॉम्बिनेशन का दे रखा है 4, तो आप लिखोगे 1/4 पिकोफैरड इज इक्वल टू 1/C1, अब दिक्कत ये C1 बहुत बड़ा है, तो अब क्या करो इसको x मान लो, क्या मान लो x, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 1/x, अब ये पता क्या, ये हो गया 4x, क्योंकि एक 4 ही तो एक्स्ट्रा है, तो हो जाएगा 4x, समझे मेरी बात को, तो C2 की जगह पर आप लिख दोगे 4x, अब आपको x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और जब x को सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू को यहां और यहां पुट करना आपको आंसर मिलेगा, चलो करके देखते हैं, अगर हो जाए किस्मत अच्छी रही तो करके देखते हैं फटाफट, 1/4 ये हो जाएगा आपका 4x * में x नीचे 4x2, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, अगर ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स से कम में नहीं आ सकता कभी भी, तो यहां से ये हो गया 4x2 इज इक्वल टू 16x प्लस 4x, तो ये हो गया x2 इज इक्वल टू 4x प्लस x, इसके रूट्स निकलेंगे नहीं निकलेंगे, निकले क्यों नहीं निकलेंगे, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, कैसे निकालने पड़ेंगे, x2 है नहीं, ये तो ईजी पड़ गया है, तो काफी ये तो इजी पड़ गया ना, रूट वूट का नहीं पंगा है कोई, 4 क्या कह रहे हो, तो हमारा x भी पीको में आ जाएगा, हमारा आंसर भी पीको में निकलेगा, मेरी बात समझे नहीं समझे, तो इजी हो गया, 5x हो गया ना ये, तो नहीं 4 कॉमन लेके काट दिया तो 5x और यहाँ x2 हो गया ना, तो ये तो इजी है, कोई कठिन नहीं है, रूट वूट निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो x2 माइनस 5x इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू या तो 0 आएगी, या समझ पा रहे कैसे कर रहा हूं मैं, कॉमन लेके x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो या तो x की वैल्यू 0 के बराबर आएगी या x माइनस 5 0 के बराबर आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ, उससे जो x है इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो अब आप क्या बोलोगे, जो C1 था, क्या था आपका C1, वो x के बराबर था, मेरी बात समझे, ये पैरेलल का मैंने ये सीरीज में है दोनों, क्या है, और कैपेसिटर में सीरीज का ऐसे होता है 1/C करके, तो यहां पर हमने x बोला, C1 किसके बराबर होगा, C1 और C2 फाइंड करना था, क्वेश्चन था कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच, तो C1 कितना हो गया x के बराबर, तो C1 हो गया 5 पिको फैराड, क्योंकि यूनिट क्या थी, पिको फैराड है, और C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा आपका, आपको 4 × x करना था, ये x था ना आपका 4 × x, तो 20 पिको फैराड है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बिलीव मी मजा आ गया यार, गजब था ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते, बहुत देर बाद एक बढ़िया क्वेश्चन मिला है।
देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ये एक डेरिवेशन है, कह रहा है देखो अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनका जो डिस्टेंस है डी और एरिया है प्लेट का ए, और अभी इसके अंदर वैक्यूम है, एयर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम। तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब कह रहा है कि अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, इसके अंदर एक स्लैब डाला गया, स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है, टी है थिकनेस। और बताया गया है कि जो टी है डी से कम है, टी जो है डी से कम है, डी से कम है, यही अंदर डाला गया है। अब क्या कह रहा है, बिटवीन द प्लेटो प्लेट, ठीक है, तो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस, यानी आपको कैपेसिटेंस की डेरिवेशन करनी, कैपेसिटेंस की डेरिवेशन करनी, कैपेसिटेंस की। तो ये डेरिवेशन मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, डेरिवेशन तो कर ही लोगे ना आप लोग। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन अगर किसी को करवाना है तो बता दो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं, करा दो, ठीक है, करा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, डेरिवेशन करा रहे, देखो इसमें क्या होता है, समझना मेरी बात को, आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्यू होता है ना वो सी वी होता है। तो अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा क्यू बाई वी। अब मेरी बात सुनते रहो, अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है हमने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितने पर डाला है, इस बात से भी फर्क पड़ता है। देखो पहले क्या था, तो अभी बातें करते हैं। देखो इसके अंदर हमने डाला है, इसका एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका कॉन्स्टेंट है के, थिकनेस है टी और पूरा डिस्टेंस था डी। तब हम बोलेंगे देखो भाई साहब, अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो अब देयरफॉर अब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा क्यू और वी वन प्लस वी टू होगा। अब वी वन प्लस वी टू क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर तो वैक्यूम है, दिख रहा है आप लोगों को, ये खाली जगह है पर ये डाइलेक्ट्रिक है, तो यहां का पोटेंशियल अलग होगा और यहां पोटेंशियल अलग होगा। तो हम बोलेंगे कि कैपेसिटेंस था क्यू बाई वी, तो अब हम बोलेंगे सी, ये क्यू का क्यू रहने दो, वी वन, वी वन की बात करेंगे, तो मान लो ये जो वी वन है, अच्छा सुनो, ये जो टी है टी, जो के है के टी में है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो टी दूरी में है, तो वैक्यूम कितना में है, तो वैक्यूम है डी माइनस टी में। आप चेक कर लो, जो वैक्यूम है वो डी माइनस टी में। अब हम बात करते हैं वोल्टेज का फॉर्मूला, तो वोल्टेज पता क्या होता है हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे देखिए V1 की जगह, चलो V1 यहां निकाल रहा हूं मैं, नाउ जो V1 होगा ना वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, और डिस्टेंस है डी माइनस टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव प्लेट और कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैक्यूम के अंदर, वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये डी माइनस टी हो गया V1। तो यहाँ पर V1 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए डेरिवेशन तो आपको आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर डी माइनस टी, प्लस में हमें V2 लगाना है। V2 अब देखिए, V2 मतलब इसके अंदर का, अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो टी के बराबर है, इसका डिस्टेंस तो टी के बराबर है, इसका था डी माइनस टी जो बचा हुआ था। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट के बगल में के, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर ये टी का टी रहेगा, समझे, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि यहाँ पर के है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में टी, तो ड्राइव हो गया आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब क्या लिखोगे आप लोग सुनो, जो ये चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो होता है सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट क्या। अब चलो अभी इसको थोड़ा कर लेते हैं थोड़ा बढ़िया से, इस सिग्मा को चार्ज का चार्ज रहने दो, ये और ये दोनों में क्या है कॉमन, ऊपर भाग जाएगा, तो ऊपर हो गया एप्सिलॉन नॉट क्यू, समझे, नहीं ये ऊपर भाग गया यहाँ पे, कि दोनों के नीचे है ना वो, तो नीचे बचेगा सिग्मा डी माइनस टी प्लस सिग्मा वाई के इंटू टी, ये कैपेसिटेंस है। अब देखिए जो चार्ज है ना, चार्ज क्या लिखेगा, चार्ज को एक कॉन्सेप्ट होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, प्यारे बच्चों, तो चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए, तो चार्ज के ऊपर आप पुट कर देना अगले स्टेप में सिग्मा इंटू में ए, तो सिग्मा से सिग्मा भी कट जाएगा आपका। तो ये जो फॉर्मूला आ गया, क्या पता क्या आ गया, अब साइलेंट नॉट ए डी माइनस टी टी बाई के, तो ये आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, क्या बात समझ में आ गया। तो क्योंकि देखो टी बाई के तो रहेगा ही, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, तो ये डेरिवेशन करना था हमें। तो जो पीछे क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे एलिमेंट यूज हुए, पहला कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल हुआ, फिर वी वन और वी टू हमने यहां से निकाला, सिग्मा यहां से निकाला, तो इस वाले क्वेश्चन का डेरिवेशन का आंसर वही होगा, क्या बात समझ में आ गया। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन फुल्ली फिल्ड का पूछ ले। अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि भाई साहब थिकनेस टी नहीं है, हमने पूरा ही भर दिया। क्या भर दिया? पूरा भरने का मतलब है कि टी है ना डी के बराबर हो गया, तो टी और डी के बराबर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। और ये जीरो हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा पता? देखो एप्सिलॉन नॉट ए, ये जीरो हो गया और टी की जगह पर क्या जाएगा? डी। और के जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये फुल्ली फिल्ड का केस है, फुल्ली फिल्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन फुल्ली फिल्ड का आएगा तो आप यहाँ पे ड्राइव करना और फिर पुट कर देना टी इक्वल टू डी, तो ये जीरो हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। जब भी फुल्ली फिल्ड होता है कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, ड्राइव करने को आ सकता है। प्लीज नोट इट डाउन। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर एट अ पॉइंट आउटसाइड इनसाइड, और हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है। कहने का मतलब क्या है देखिए सुनिए, एक शेल है, अब इसका रेडियस है आर, तो एक बार हमें अंदर और एक बार बाहर, अंदर मतलब यहां पे कहीं, यहां पे अंदर हमें क्या निकालना है? अंदर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव द डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की हेल्प से, अंदर और एक बार बाहर, और एक बार बाहर जहां भी मैं ये लगा रहा हूं येलो डॉट बाहर, ये जो डिस्टेंस है आप देखोगे तो कैपिटल आर से छोटा है, तो ये वाला केस हो गया ना, ये वाला आर बड़ा है कैपिटल आर छोटा है, तो मतलब ये अंदर केस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है इनसाइड। और अगली बार क्या है? कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब इस बार ये हमारा आर है, तो ये हो गया आउटसाइड। क्या हो गया? ये आउटसाइड। तो हमें ग्राफ भी बनाना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लेके आनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी, जब आर छोटा होगा कैपिटल आर से, हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो हमारा गॉसेस लॉ है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जो गॉसेस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ऐसा कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान देंगे, इसने स्फेरिकल शेल बोला है। क्या बोला है? स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। अब स्फेरिकल शेल बोला है, शेल का मतलब होता है कि भैया जो चार्ज है ना, चार्ज वो बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, खोखला है। क्या ये? खोखला। तो जो भी चार्ज होगा ना बिछाया हुआ, चार्ज ऊपर होगा अंदर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे भैया देखो क्यू इनक्लोज्ड, जो अंदर का चार्ज क्या है? जीरो। अगर हम अंदर की बात करें, अंदर चार्ज क्या होगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? जीरो। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हमने गॉस लॉ की हेल्प से कर दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा ध्यान दीजिए, इनसाइड द शेल हो गया ना, फिर अगला है ये आउटसाइड, मतलब ये तो सेकंड केस हमने सॉल्व कर दिया पहले। आउटसाइड उसने क्या बोला है? पहले बनाने के लिए बोला है, और सेकंड है इनसाइड। तो अभी हमने जो किया है ना वो इनसाइड का किया है। कैसा किया है? इनसाइड। अब हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, फर्स्ट मतलब आउटसाइड। तो अगर आउटसाइड की हम बात करेंगे तो गॉस लॉ लगाएंगे दोबारा, तो गॉसेस लॉ लगाएंगे, और हम कहेंगे प्यारे बच्चों गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई रहेगा, एरिया हमें 4πr² होगा, 4πr² देखो इस स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4π, क्योंकि हमने बाहर तक का डिस्टेंस लिया ना, तो ये वाला आर लेंगे हम डिस्टेंस, और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। चार्ज कितना होगा? पूरा चार्ज अंदर होगा, पूरा चार्ज को मान लो क्यू मान लो, तो नीचे एप्सिलॉन नॉट, यही इसका आंसर होगा। और यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा ना, वो आएगा क्यू बाई, एक सेकेंड, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो क्यू बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये 4πr² नीचे आ जाएगा ना, मेरी बात समझे? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो आउटसाइड के इनसाइड के लिए जीरो होता है, आउटसाइड के लिए ये होता है। अब इसका हमें वो करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। एक सेकेंड, चलो अब ध्यान दो, तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। क्या करें अब इसका? ग्राफ बना के इस वाले को खत्म करते हैं, ठीक है? तो यहां से ग्राफ बनाते हैं फटाफट, देखो कैसे बनेगा ग्राफ। तो अगर हम बनाए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा है डिस्टेंस,
तो यहां तक तो जीरो है, कहां तक जीरो है, कैपिटल आर तक, कैपिटल आर तक क्या है जीरो, कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट होगा, फिर इसकी कुछ वैल्यूज आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, फिर वो घटना स्टार्ट होगा, घटना, मेरी बात समझे। तो आप चाहो तो यहां से वो भी बना सकते हो, कई लोग ऐसा बनाते हैं स्फीयर बना देते हैं यहां तक, कई लोग यहां तक स्फीयर बना देते हैं, तो थोड़ा बाहर चला गया मेरा पॉइंट, ठीक है, कई लोग ऐसे स्फीयर बना देते हैं इसको स्फीयर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से फिर घटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इनसाइड का पॉइंट है और ये है आउटसाइड का, तो ये है आपका आर लेस देन आर का जीरो होता है आंसर, बिल्कुल जीरो है आंसर, और ये फिर बाद में घटेगा, बोलो घटेगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आउटसाइड, तो ये हमारा आर ग्रेटर देन आर के लिए। तो ये ग्राफ भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है ना, चलो फिर देखिए, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। लिखा है यूजिंग गॉसेस लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफिनिटली चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज चार्ज डेंसिटी सिग्मा, हाउ इज द डायरेक्टेड। देखो सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या रहा है कि एक चार्ज शीट है, ठीक है, सब बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, एक चार्ज शीट है प्लस 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 प्लस, और दूसरा हमारे पास जो चार्ज शीट है वो है माइनस, क्या है, माइनस माइनस माइनस, दो केस दिया है, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक नेगेटिव चार्ज के लिए। अब कह रहा है यूजिंग गॉस लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा। देखो पॉजिटिव से डायरेक्शन बाहर होता है, ये तो पता है सबको, और नेगेटिव में क्या होता है, अंदर। तो जिन बच्चों को डेरिवेशन नहीं आता वो आधे क्वेश्चन तो ऐसे कर लेंगे, आधे क्वेश्चन तो उससे ऐसे हो जाएगा। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि बोला गया सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये खुद को पता होता है। तो कुल मिला के हमें डेरिवेशन करना है एक पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक का करके दिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो एक का करके दिखा देते हैं, वैसे करना चाहो तो आप दोनों का भी कर सकते हो, चलो मैं यहाँ पर दोनों का ही कर देता हूँ। देखो इस वाले केस में क्या होगा, आपको एक सिलेंडर लेना है ऐसा, और दूसरा एक सिलेंडर लेना है इस साइड, दो सिलेंडर लेने ऐसे पीले, एक सिलेंडर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर एक ही है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेंडर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मान लो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है डी ए कैप, मान लो इस तरफ इसका, मान लो डी ए कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा इसका, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि देखो गॉस लॉ, गॉसेस लॉ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ कहता है कि ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई। अब मुद्दा क्या है यहां पर, यहां पर आपके दो दो सिलेंडर लिए आपने, इधर का भी उधर का भी, तो यहां पर आपको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई रहेगा, एरिया ए हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ए, एरिया को हमने ए मान लिया, और ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई, सब नीचे जाएगा टू और ए नीचे आ गया ना, क्यू बाई, देखो ई निकाला ना आपको ई, तो ए और टू नीचे भाग गया, तो क्यू अपन ए पता क्या हो जाता है, सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा और नीचे था टू एप्सिलॉन नॉट, तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमने समझ पा रहे मेरी बात को, तो दोनों के लिए यही आंसर होगा और डायरेक्शन अलग अलग बताना। देखो उसने पता क्या बोला है कि आप एक्सप्रेशन ड्राइव कर लो और बताओ, लास्ट में बोला उसने, लास्ट में बोला है हाउ इज द फील्ड डायरेक्टेड, अगर शीट पॉजिटिव हुआ तो आउटवर्ड और शीट नेगेटिव हुआ तो इनवर्ड, मतलब ये डेरिवेशन करके बस हमें लिखना था, इसको ड्राइव नहीं करना है, इसको बोल देना है, डेरिवेशन हो गया, अब बोल दो भैया कि फर्स्ट पार्ट आपका, मतलब ये हो गया आपका डेरिवेशन, अब बोल दो कि भैया अगर पॉजिटिव हुआ तो बाहर की तरफ, नेगेटिव हुआ तो इनवर्ड टुवर्ड द शीट, है ना, फटाफट नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। पहले बजे देखो क्वेश्चन, देखो लिखा है व्हाट इज अ कैपेसिटर, अब सबको पता होगा कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी, ठीक है ना, स्टोर्स एनर्जी, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, कंडक्टर होता है, स्टोर्स एनर्जी, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी, जो एनर्जी को स्टोर करता है, तो कैपेसिटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, जो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन, यानी कि आपको डेरिवेशन करनी है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, कि जब उनके अंदर क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम, यहां पर एयर होगा, कुछ भी नहीं है, क्या है, सिर्फ एयर है, वैक्यूम है,
अब एयर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम बोलेंगे देखो भैया क्यू इज इक्वल टू होता है सी इंटू वी, तो सी क्या होगा क्यू बाई वी। अब ये जो डिस्टेंस है वो है डी, डिस्टेंस क्या है डी, और हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है, देयरफॉर हम जानते हैं वी नो, हमें जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अंदर कितना होता है सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, और जो डिस्टेंस होगा क्या होगा वो टी, डिस्टेंस क्या होगा डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस होगा डी, तो वोल्टेज आ जाएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे चार्ज की जगह चार्ज है, वोल्टेज क्या हो जाएगा सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। अब बात करते हैं कि क्या किया जाए, तो अब एप्सिलॉन नॉट जो ऊपर भाग जाएगा तो क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हो जाएगा सिग्मा डी, ये हो गया कैपेसिटेंस सी। अब अगली बार हम क्या बोलेंगे भैया देखो बात ऐसी है, जो सिग्मा होता है सिग्मा सबको पता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये सिग्मा को यहां पर आप लिख देना, जो सिग्मा है ना सिग्मा इसको चार्ज अपॉन एरिया लिखना, उससे क्या होगा चार्ज से चार्ज कट जाएगा एरिया भाग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो कैपेसिटेंस आ गया जब कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, मीडियम वाला भी कर लिया हमने, बिना मीडियम वाला भी कर लिया, सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बढ़ते देखो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, पर्सनली आई लाइक दिस क्वेश्चन, मुझे मजा आ गया क्वेश्चन देख के, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं टफ पेपर में। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर शोन इन द फिगर। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इधर, कि एक क्यू टू क्यू माइनस फोर क्यू तीन चार्ज रखा हुआ है, कह रहा है सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, यानी चार्ज को सेपरेट करना है, चार्ज को सेपरेट करने में कितना एनर्जी कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क या फिर एनर्जी। तो बड़ा आसान तरीका है देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 जूल की ताकत है तो मुझे तोड़ने के लिए कितनी लगानी पड़ेगी 100, जितनी एनर्जी मेरे पास होगी ही उतनी एनर्जी आप लगाओगे तो मैं टूट जाऊंगा, तो हमें यह निकालना पड़ेगा कितना एनर्जी इसके पास है, उतना ही हम लगा देंगे उतना ही हम। जैसे मैंने कहा कि मान लो किसी के पास है प्लस 10 जूल तो आप कितना लगा दो माइनस 10 जूल, ताकि आंसर क्या आ जाए जीरो। इसीलिए अब हमें क्वेश्चन का डिमांड यह है कि आप कितना एनर्जी लगाओगे ये टूट जाए, तो हम निकालेंगे कितना एनर्जी है इसके पास, तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो कि होता है यू, कैसे निकालेंगे तो यू का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों के क्यू वन क्यू टू बाई उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, तो फटाफट निकालते हैं। तो यहां पर देखो इनके बीच का एनर्जी निकाल लेते हैं फटाफट, तो जो यू निकलेगा हमारा यू नेट टोटल निकलेगा, पहले इन दोनों का निकालते हैं हम, इन दोनों का लिख लेते हैं हम के क्यू इंटू में माइनस का फोर क्यू, और डिस्टेंस इनके बीच का जो भी दिया हो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 0.1 मीटर, समझे मेरी बात को 0.1, तो हमने इसकी एनर्जी निकाल ली, वैसे ही इनके बीच में भी एनर्जी होगा, तो प्लस का साइन लगा के इनके बीच का एनर्जी के माइनस फोर क्यू टू क्यू बाई डिस्टेंस 0.1, प्लस में इनके बीच में भी एनर्जी होगा तो के क्यू टू क्यू बाई डिस्टेंस 0.1। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सब कुछ दिया हुआ है, बोला गया कि चार्ज की वैल्यू इतनी लेनी है, वो तो कुछ भी नहीं, आप इन सबको सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो कॉमन क्या आ रहा है के क्यू क्यू कॉमन है, के क्यू क्यू और 0.1 सब में कॉमन है देख लो, तो यहाँ छूटेगा आपका माइनस फोर, यहाँ छूटेगा आपका माइनस का 8 और यहाँ छूटेगा आपका प्लस का 2, ये बाकी सब कॉमन है सबके अंदर, के क्यू क्यू और 0.1 सब में कॉमन है, तो के क्यू का स्क्वायर 0.1 कितना हो गया माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 और 2 माइनस 10 माइनस 10, तो ये आंसर आ गया देखो, ये आपका एनर्जी आ गया, आंसर आ गया। अब हमें कितना देना पड़ेगा, सो वर्क टू बी डन, वर्क करना पड़ेगा, वर्क टू बी डन कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जितना एनर्जी इसके पास उतना ही करना पड़ेगा, तो वर्क इज इक्वल टू या माइनस एन इसको प्लस कर देना बस, तो के क्यू स्क्वायर बाई 0.1 इंटू में 10, इतना हमें काम करना पड़ेगा, और चार्ज की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आप चाहो तो चार्ज का स्क्वायर वहां पे पुट कर देना, चार्ज का स्क्वायर पुट करेंगे तो कितना आएगा, कर देते हैं क्या, कर देते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है पता आप लोगों को, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू का स्क्वायर
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर इंटू में 10 और ये 0.1, इनको सॉल्व करें ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर हम आगे बढ़ते फटाफट, देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा है। यूजिंग गॉसेज लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन, क्या लिखा देखो, यूजिंग गॉसेज लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी दिस लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ। कह रहा है एक वायर है, एक वायर है, लंबा सा वायर है। अब यहां पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ, आपको गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले एक सरफेस बनाते हैं हम, गॉसियन सरफेस, ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेंगे और हम बोलेंगे भैया देखो बात ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है तो अब यहां पर हम एरिया मान लेंगे एक एरिया। तो इधर हमने एरिया वेक्टर मान लिया डी ए कैप एरिया वेक्टर। अब हम बोलेंगे देखो भाई साहब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पर एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा ना इसका, सरफेस गोल वाले का, ये एरिया किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो यहां 90 डिग्री बन गया, तो यहां से हम फ्लक्स बोलेंगे जीरो, यहां से फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स क्या होगा, वैसे ही अगर यहां की अगर हम बात करें तो नीचे भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, एरिया इस तरफ होगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा, यहां से भी फ्लक्स क्या होगा जीरो, फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। फ्लक्स क्या होगा जीरो, ये फ्लक्स है फाइव फॉर फ्लक्स। तो जो भी फ्लक्स आएगा सिर्फ यहां से आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और एरिया भी इस तरफ है। तो बोलेंगे नाउ देखो भैया इसको तो तुम लोग पहले से जानते हो, तो रफली करा रहा हूं, आप डेरिवेशन अच्छे से करना जानते हो, मैं रफली करा रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो आप बोलोगे देखो भैया नाउ गॉसियन लॉ क्या कहता है, गॉसियन लॉ कहता है भैया इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई रहेगा जो निकालना है हमें, एरिया कर्व सरफेस, क्या कर्व सरफेस जो कि होता है 2πRL क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों यहां से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा क्यू बाई 2πRL एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। अब क्यू बाई एल क्या होता है, लैम्डा होता है, तो हो गया लैम्डा बाई 2πεr, और डायरेक्शन किस तरफ है आउटवर्ड, आर कैप भी लिख सकते हो आर कैप अगर चाहो तो, आर कैप मतलब रेडियस की तरफ, अगर ये इसका रेडियस है रेडियस आर तो इस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे मेरी बात को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आता है एग्जाम में, बहुत आता है, बहुत बार आपको भी देखने को मिल सकता है, और इसका ग्राफ ऐसा बनता है देखो। अगर प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा आ गया, मजाक नहीं कर रहा, तुमने कहीं ना कहीं इसको प्रीवियस उस अपने प्री बोर्ड इन सब में देखा होगा ऐसे क्वेश्चन। आप मेरी बात सुनो, लिखा है क्वेश्चन कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, हमें क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, और फिर ये तीन क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। एंड फटाफट करते हैं, फटाफट फटाफट देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो देखो पहली बात आप ये मान लीजिए कि यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, देखिए ये डायग्राम याद रखना, एक डाइपोल है, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है बता दूं मैं आपको, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है बता दूं आपको, इस तरफ प्लस के ऊपर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो होता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, और माइनस के ऊपर भी जो फोर्स लगता है वो भी होता है क्यू इंटू ई, बस दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब इसका एंगल जो होगा, मान लो एंगल है थीटा, यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, ये बस ऐसे बता रहा है, ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस, ये जो हाइट होता है वो होता है 2a sin थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल का डिस्टेंस होता है डाइपोल डिस्टेंस हम मानते हैं 2a। तो थोड़ा सा मैं अपने मन से अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो ध्यान दो आप कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो अब डाइपोल रखा गया तो इस ये माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ क्यू इंटू ई, और इस तरफ फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मान लो एंगल है थीटा। अब क्वेश्चन में डिमांड क्या है, इसका आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पता क्या होता है, आप बोलोगे वर्क, पहले से लिखते हैं फोर पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, देखो एनर्जी कब आएगा इसके अंदर, जब ये रोटेट होगा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग, रोटेटिंग डी थीटा,
अगर हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, बहुत छोटे एंगल से डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है बेटा वर्क का, जब भी कहीं पर रोटेशन हो तो टॉर्क इंटू डी थीटा। अब तुम बोलोगे सर ये टॉर्क क्या होता है, ये तो बोलोगे। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर, अगर चैप्टर आपने पढ़ा हो तो टॉर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टॉर्क होता है हमेशा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, उसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में ना, इंटीग्रेशन में हम लिमिट बाद में पुट करेंगे। देखो पी की जगह पी रहेगा, साइन का हो जाता है कॉस थीटा, क्या हो जाता है। और मान लो जो लिमिट है वो थीटा वन से थीटा टू तक है, थीटा वन से थीटा टू तक। तो जो वर्क का फॉर्मूला आएगा पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, तो यही वर्क है। अच्छा कई बार इसी वर्क को बोलते हैं हम एनर्जी। दिस वर्क स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यही जो वर्क है एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। मेरी बात समझे नहीं समझे। अब यहां पर क्या देखोगे, छोटी छोटी बातें, कई लोग बुक्स में ऐसे लिखते हैं इसको, और इसको W को हम यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं यू। और जब हमें रेफरेंस एंगल ना पता हो, मतलब ऐसे कहने का मतलब क्या है, कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो कई बार ना हम रेफरेंस के लिए पहले वाले को हम जीरो मान लेते, क्या मान लेते, तो जीरो मानने की वजह से क्या बचेगा, पी बचेगा, माइनस बचेगा कॉस थीटा। तो यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा भी होता है बहुत जगह पे, पर ये भी सही है, ये भी सही है। मेरी बात समझे। तो अब मेरी बात समझो कि अभी देखो एग्जाम टाइम है तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं अच्छे से। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आपने कर लिया। अब कुछ एंगल ध्यान रखेंगे आप लोग, एंगल जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला है, क्या बोला है। अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व होगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, या फिर पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, कि थीटा वन से थीटा टू तक आपको ले जाना है तो कितना वर्क, कितना एनर्जी होगा। अब अगला क्या है, अगला डिफाइंड आउट द, डिफाइंड आउट नहीं फाइंड आउट, ये फाइंड आउट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल व्हेन स्टेबल, स्टेबल होता है थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री। देखिए ओरिएंटेशन जब भी आए इसका मतलब समझो एंगल, किसकी बात कर रहा हूं, एंगल। तो अगर एंगल जीरो डिग्री होगा तो स्टेबल होगा, और अगर 180 डिग्री होगा तो 180 के लिए बोलते हैं अनस्टेबल, क्या बोलते हैं अनस्टेबल। समझ में आया। अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के आ गया कि मुझे वर्क बताओ, क्या बताओ आप, मुझे वर्क बताओ स्टेबल से अनस्टेबल तक, स्टेबल से अनस्टेबल तक। समझ मेरी बात को, यानी कि वो क्या कह रहा है, वर्क बताओ जीरो डिग्री से 180 डिग्री तक, यानी पूरा अपोजिट करने में, पूरा जीरो डिग्री से 180 मतलब पूरा अपोजिट करने में। क्वेश्चन आ सकता है ना एग्जाम में कि बताओ भाई वर्क बताओ जीरो से 180 तक का, या स्टेबल से अनस्टेबल तक का। तो वर्क का फॉर्मूला पता क्या होता, अभी पढ़ा था आपने, पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यही तो था, यही था ना आपका। तो क्या करोगे, अच्छा एक मिनट, सही चल रहा है ये वर्क, कॉस थीटा टू माइनस कहाँ, ठीक है ठीक। तो ये क्या क्या करोगे बताओ, तो जो वर्क हो जाएगा पी की जगह पी रहेगा कॉस थीटा टू, कॉस थीटा कितना था 180, कॉस 180 यहां पर ना, एक मिनट, अच्छा हमने ना एक छोटा सा शायद यहां पर, हाँ यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पर आप, यहां पर ना ये छोटी सी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस में होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ना, यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस भी है, ध्यान देना प्लीज, ये एक्स्ट्रा माइनस भी है यहां पर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, क्या होता है, तो ये आपका माइनस चल रहा है, माइनस कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। और नीचे क्या लिखा है, नीचे हमने याद था हमें डायरेक्टली माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, देखो छोटी छोटी बातें थी, पर उससे आंसर गलत नहीं आएगा, बस साइन का फर्क पड़ जाएगा। तो मतलब हमारे जो फॉर्मूला से एक माइनस साइन आ ही रहा है, और कॉस थीटा टू का मतलब हो गया 180, कितना हो गया, तो कॉस 180 पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ गया ना क्वेश्चन कि बताओ भाई स्टेबल से अनस्टेबल जाऊंगा तो क्या होगा, तो थीटा टू होगा 180, ये थीटा टू है और ये क्या है थीटा वन, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री मतलब थीटा वन, तो थीटा जीरो डिग्री हो गया थीटा वन। तो यहां से माइनस पी तो चल ही रहा है, कॉस 180 का मतलब माइनस वन, कॉस जीरो का मतलब वन, तो ये हो गया पी और टू, टू पी आंसर आ गया, कितना आ गया, माइनस नहीं है सिर्फ टू पी, यानी कि
स्टेबल से अनस्टेबल जाने में वर्क करना पड़ता है 2P, जहां पी क्या मतलब है, पी का मतलब है डाइपोल मोमेंट, डी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही क्वेश्चन ऐसा सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है अनस्टेबल से स्टेबल के लिए वर्क बताओ या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए वर्क बताओ, अपोजिट मतलब 180 जाने के लिए, समझ में आ गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हम आगे बढ़ते फटाफट। देखो इस डेरिवेशन के आने का चांस बहुत ज्यादा है। डेरिवेशन क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और यह है सेंटर ऑफ डाइपोल, तो आपको यहां पर निकालना है, यहां इसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। तो यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इसको मान लीजिए कि डिस्टेंस दिया है ए एंड ए, 2a दिया हुआ है, बोला है कि डाइपोल मोमेंट और लेंथ है 2a, मतलब अगर ये सेंटर है तो ए और ए। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान तरीका होता है, आपको इधर दिखाना होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस क्यू, यहां दिखाना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू, यहां पे कुछ एंगल्स मानने होते हैं थीटा थीटा, और यहां एक लाइन खींचना होता है, तो ये वाला भी थीटा होता है, ये वाला भी थीटा होता है। अब कुछ मोटी मोटी बातें सुनो, इस तरफ होता है पता है क्या, इस तरफ होता है 2e cos थीटा, और नीचे होता है एक e sin थीटा, और एक होता है ऊपर e sin थीटा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, और यहां पर हम लिख के चलते हैं कि अगर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, वैल्यू के अंदर दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। हमें बता के चलते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी, दोनों ही क्या है मतलब दोनों ही माइनस और प्लस से सेम है ना, इसीलिए। तो यहां पर डायग्राम ऐसा बनता है इसका इक्वेटोरियल लाइन का, तो ई साइन थीटा ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो भी आंसर बचता है सिर्फ 2e cos थीटा। तो हम कहते हैं जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा ई नेट होगा, ध्यान देंगे आप लोगों को डेरिवेशन तो आनी चाहिए, मैं यहाँ पर एक रफली आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लिखोगे 2e cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है, तो एक वेक्टर साइन लगा के आप यहाँ पे लिखते हैं माइनस का पी कैप। पी कैप का मतलब देखिए डाइपोल मूवमेंट ना हमेशा इधर इस तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, तो आपने लिखा माइनस पी कैप, डायरेक्शन है ये पीछे की डायरेक्शन है बस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें ई नेट की, तो यहां पर हो जाएगा 2, ई की जगह पर क्या लिख सकते हो के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मेरी बात सुन लो, डेरिवेशन करने का एक टेक्निक होता है जो आप लोगों ने हर जगह सीखा होगा, स्कूल ट्यूशन हर जगह, ये एक रफ आइडिया से हम कर रहे हैं, रफ मतलब करना तो यही है एग्जाम में, पर एग्जाम में बताना भी है कि ए इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, प्लस क्यू इज चार्ज, माइनस क्यू इज चार्ज, आर इज डिस्टेंस, आर ये वाला डिस्टेंस है, लेट थीटा इज एंगल, तो ये सब प्रॉपर फॉर्मेट होता है डेरिवेशन का, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, तो यहां पर आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, यहां पर केक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था केक्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखे, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, तो आप ध्यान दो यहां पर, ये देखो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, आपको निकालना ये वाला डिस्टेंस, नहीं गलत, आपको यहां से चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये आर है और ये ए है, तो पाइथागोरस से ये निकालोगे तो पता क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, हम लिखेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के इंटू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बगल में कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है ए और हाइपोटेन्यूस अभी हमने निकाला था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस पी कैप। तो यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया आपका ई नेट इज इक्वल टू, ध्यान दो छोटी सी बात ध्यान दो, ये 2 है, ये Q है और ये A है, P बन जाता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा जो P होता है ना, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू में 2A, ये डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहां पर ये बन जाएगा 2QAP बन जाएगा, तो ऊपर हो गया KP बाई अंडर रूट, और देखो अंडर रूट वाला छोड़ो, यहां रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और ये बेस सेम पावर एड के रूल से ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाता है बेस सेम पावर एड के रूल से, तो यहां पर हो जाएगा एक माइनस पी कैप। तो यही डेरिवेशन हमें करनी होती है एग्जाम में, ठीक है ना। कई बार अगर शॉर्ट डाइपोल बोला है इसने, शॉर्ट डाइपोल नहीं बोला है, क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड पीछे की तरफ, ठीक है ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही सिंपल है,
तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल बोलता तो हम क्या करते बताओ, अगर क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल बोलता तो ए स्क्वायर को हम जीरो कर देते, तो ई नेट क्या आता देखो, केपी बाई आर क्यूब माइनस पी कैप। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल की पहचान क्या होती है कि जो हमारा आर बड़ा होता है एज कंपेयर टू ए, या लिखा होगा मुंह से लिखा होगा या फिर बताएगा ए बहुत छोटा है, ए को जीरो कर दो, ए को जीरो कर दो। तो मैंने डेरिवेशन भी दोबारा करा दिया, आप प्रैक्टिस के लिए नोट कर लेंगे। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दो इधर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा पर्सनली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया है, यूजिंग सुटेबल डायग्राम शो दैट इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटर मोशन। कहने का मतलब क्या है कि देखिए एक डाइपोल है, देखिए डायग्राम बहुत गजब बना हुआ है, डाइपोल को समझ लेते हैं। अगर इस डाइपोल को आप देखते हो तो इस तरफ है माइनस क्यू ई, देखिए डाइपोल क्या होता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज, और उनका जो डिस्टेंस होता है वो होता है टू ए, डिस्टेंस क्या होता है टू ए, और डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होता है माइनस चार्ज से, जो माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है इसकी तरफ होता है डाइपोल मूवमेंट, और चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है फोर्स वो इस तरफ लगता है क्यू ई, प्लस का फोर्स इस तरफ लगता है और माइनस का फोर्स पीछे की तरफ लगता है। अभी तो डिस्टेंस है टू ए साइन थीटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस याद करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा यह है कि भाई एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है डाइपोल में, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं डाइपोल को, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है क्या है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, इस चक्कर में ना वो आगे जाएगा ना वो पीछे जाएगा। तो यही पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो आपको यह बताना है कि शो दैट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमने शो कर दिया कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विल कैंसिल, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विल कैंसिल, विल डायग्राम बना के लिखना है, सो नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई भी मोशन नहीं होगा, सो नो ट्रांसलेटर मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, इसलिए कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क, टॉर्क हमें निकालना है। सुन लो, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, क्या होता है आर क्रॉस एफ, डेरिवेशन बता रहा, डेरिवेशन हम डेरिवेशन कर रहे हैं, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो हम बोलेंगे आर तो टू ए है और एफ की जगह पर हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्या हो जाएगा, आर की जगह पर टू ए, एफ की जगह पर क्यू इंटू ई, और जब भी कहीं से क्रॉस को हम हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, क्या आता है साइन थीटा, तो टॉर्क क्या बन जाएगा, देखो अब यहां पर देखो क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए होता है डाइपोल मूवमेंट, पी होता है पी, तो बन जाएगा पी ई साइन थीटा, तो डेरिवेशन हो गया बेटा, टॉर्क का डेरिवेशन हो गया, समझे मेरी बात को। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, क्यों, जितना फोर्स आगे उतना ही फोर्स पीछे है, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि टॉर्क की वैल्यू कितनी, टॉर्क की वैल्यू कितनी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब वो कह रहा है अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि अगर फील्ड एक जैसा नहीं है, फील्ड क्या नहीं है, अगर प्यारे बच्चों फील्ड एक जैसा नहीं है, चुप हो जाओ, तो यहां का फोर्स कुछ और होगा, यहां का फोर्स कुछ और होगा, मेरी बात समझे, तो यहां का फोर्स अलग होगा, यहां का फोर्स अलग होगा, मान लो यहां पर है 50 का फोर्स और यहां पर है 5 का फोर्स, तब तो बॉडी आगे जाएगा ना, तो अगर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं हुआ, इफ द फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म, तो पता क्या होगा कि फिर यहां पर क्या क्या हो सकता है, यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन प्लस रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन, मे बी रोटेशनल मोशन, मेरी बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का, तो वो ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ सकता है, घूमेगा भी आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है, छोटी छोटी बात ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है पैरेलल टू पी वेक्टर, पैरेलल टू, मान लो कोई डाइपोल है, ध्यान देना, ध्यान दो, अच्छा छोटी सी बात बताओ, ये क्वेश्चन क्या तुम खुद सोच सकते हो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए इस तरफ तो क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाए तो क्या होगा, कितना लॉजिकल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे का बढ़ेगा तो बॉडी आगे जाएगा,
और पीछे का बढ़ेगा तो ऐसा है कुछ सोचो। हाँ वही बोल रहा हूं मैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगा तो बॉडी आगे जाएगा, पीछे बढ़ेगा तो ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है, हम आगे बढ़ते। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अलग अलग फॉर्मेट में, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। चाहे वो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बना के दे दे, बहुत डायग्राम कठिन बना के दे, कठिन क्यूब क्यूबॉइड बना दे, लेकिन बेसिक यही तरीका रहता है करने का। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 K2 फिल्ड इन टू प्लेट्स। देखो एक जैसे ये है, यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो प्लेट दिख रहा है आपको। अब कह रहा है कि हमने आधा K1 से भर दिया, आधा K2 से भर दिया, आधा K1 से भर दिया, आधा K2 से भर दिया, तो बताओ कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस। तो ध्यान रखना, सुनो एक ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक ऐसे क्वेश्चन का एक ट्रिक दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आने का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो चीजें होती है, एक डी और एक होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। अगर कभी भी ऐसे डाले वो ऐसे यू कि K1 यहां पर, K2 यहां पर, तो अब देखना आपका डी डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा? डी डिवाइड होगा। या तो ऐसे डालेंगे वो ऐसे कि ये कैपेसिटर है, वो ऐसे डालेंगे ऐसे, देखना जैसे बता रहा हूं मैं आपको, वो ऐसे डाल देंगे ऐसे, बोलेंगे ये K1 है और ये K2 है, तो डी सेम रहेगा। देखो डी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये जो लाइन है लाइन वो ए को काट रहा है, किसको काट रहा है? अगर जो लाइन जो है लाइन वो डी को काटे, तो हम कहते हैं कि ये जो डी को काटे, जब भी डी को काटे, क्या बोला मैंने, डी को, तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कि दो कैपेसिटर सीरीज में आ गए। लेकिन कभी भी कोई डी को ना काटे, ए को काटे, ए को, किसको काटे, तो हम कहते हैं AP। जब भी एरिया कटेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं। तो ये ट्रिक मैंने बनाया, बहुत मस्त है। देखो यहां पर देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा है, बताओ सीरीज है कि पैरेलल। तो ये है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये आपका पैरेलल है। पता है क्यों? क्योंकि जो डिवीजन है, डिवीजन अगर हम लाइन ऐसे बनाएंगे तो डिवीजन एरिया कट कर रहा है, एरिया को दिख रहा है आपको, एरिया कट कर रहा है, एरिया को। चलो इसे घुमा देते हैं, इस डायग्राम को हम घुमा के बनाते हैं, घुमा के बनाएंगे तो ऐसे घूम जाएगा, ये K1 हो जाएगा और ये, अरे घुमा दो ना इसको, रोटेट कर रहा हूं, रोटेट, तो ये K1 होगा ऊपर और K2 क्या होगा नीचे। बताओ ये लाइन किसको डिवाइड कर रहा है? एरिया को। कौन से वाले कैटेगरी में आ गए हम, बताओ, ये हमने किया था ना अभी, कौन से कैटेगरी में आए हम, इस वाले में, पैरेलल कैटेगरी में, समझे मेरी बात को। तो हम बोलेंगे ये दो कैपेसिटर है ना पैरेलल में है, तो हम बोलेंगे देखो पहले वाले का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C1 A0 K1/D। ये फॉर्मूला होता है, ये K1 कहां से आया, मीडियम वाला, जब मीडियम को पूरी तरह भर देते हैं तो ε0 के बगल में क्या जाएगा, कॉन्स्टेंट। वैसे C2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, ε0 K2/D, ε0 K2/ क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा अब बोला गया क्या कि दोनों पैरेलल में, किसमें, तो पैरेलल में जो टोटल होता है सी नेट होता है वो होता है C1 + C2। तो हमारा आंसर क्या आएगा बताओ, तो जो सी नेट आएगा, सी नेट तो K1 A ε0 K1/D, A ε0 K2/D, और जो कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, A ε0/D कॉमन आ जाएगा, तो जाएगा K1 + K2, ये हो गया आपका सी नेट। क्या मेरी बात समझे, यही इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप प्लीज PYQ इसके ऊपर जैसा भी PYQ दिखाई दे कर लेना। कौन से वाले, जिसमें K1 K2 दिखाई दे, पक्का आने का चांस होता है इस क्वेश्चन का। 19 में आया, 21 में आया, 22 में आया, हर पेपर में आया, आपके में भी आ सकता है। आगे ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है, पहले बोल रहा हूं। देखो एक यहां पर भी आ गया, इस बार क्या डिवाइड हो रहा है, खुद करेंगे इस बार, डिफाइन द नेट कैपेसिटेंस आप खुद करेंगे। बताओ इस बार क्या है, सीरीज है कि पैरेलल? देखो जो लाइन है लाइन वो डी को कट कर रहा है, डी को, तो सीरीज वाला तरीका लगाना। सीरीज का क्या होता है, तो 1/C नेट, 1/C1 + 1/C2। अब C1 क्या होगा, C1 होगा A ε0 K1/D/2। अच्छा मैंने गलती करी, पीछे बता दूं आपको, मैं बेवकूफ हूं, बात खत्म। क्या गलती करी मैंने, एक चीज छोटी सी गलती कर दी, अरे एरिया मैं बोल रहा हूँ कि एरिया डिवाइड हो रहा है पर कर नहीं रहा हूं, देखो एरिया को डिवाइड ही नहीं कर रहा हूं, A/2 हो जाएगा ना, आधा आधा एरिया A/2 हो जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे, मैं मुंह से बोल रहा हूं, इसे बोलते हैं देखो मुंह से बोलना पर करना नहीं।
तो एरिया मैं बोल रहा हूँ कि मुंह से कि एरिया डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, पर एरिया डिवाइड ही नहीं कर रहा हूँ बेवकूफ में। तो एरिया आधा आधा हो जाएगा ना, आधा आधा, तो ए बाई टू, ए बाई टू, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा ए बाई टू, यहाँ पर भी क्या जाएगा ए बाई टू, यहाँ पर भी क्या जाएगा ए बाई टू, तो एरिया डिवाइड होगा, ध्यान रखना। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जब हम यहाँ पर जाएंगे तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या जाएगा आधा, डिस्टेंस आधा हो गया ना, तो ए एप्सिलॉन नॉट के वन डिस्टेंस डी बाई टू हो गया। और सी टू निकालेंगे, सी टू तो क्या हो जाएगा बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट के टू डी बाई टू। अब इसको एक्स मानना, क्या मानना एक्स, तो ये सी वन हो जाएगा आपका, सी वन कितना हो जाएगा एक्स के वन, ये हो जाएगा आपका सी टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू पुट करें ना वन बाई सी नेट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ, वन बाई सी नेट क्या हो जाएगा वन बाई एक्स के वन, वन बाई एक्स के टू, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे बताओ, तो वन बाई सी नेट क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स कॉमन आ जाएगा, वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू। अब पलट दो इसको, पलटेंगे बाद में, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही तो निकालना है सी नेट, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स के टू प्लस के वन, के वन इंटू के टू, मैंने वो ले लिया एलसीएम, ले लिया क्या, ले लिया एलसीएम। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, वन बाई सी नेट, एलसीएम लिया ना मैंने, एलसीएम ऊपर कर देंगे, तो एक्स, अब पलट दो इसको, पलट दो सबको, पलट दो, तो सी नेट आ गया आपका एक्स के वन के टू बाई के वन प्लस के टू, समझे। अब क्या करोगे, एक्स की वैल्यू जो मानी थी वो पुट कर दोगे, तो एक्स की वैल्यू थी आपकी ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू, डी बाई टू, तो यहाँ पर ब्रैकेट में के वन प्लस के टू और के वन इंटू में के टू, यही है के वन इंटू में के टू, यही इसका आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्यारा क्वेश्चन, जब सीरीज में हो तो वन बाई सी नेट से करते, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो, क्या लिखा है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वी अक्रॉस द प्लेट ऑफ टू कैपेसिटर ए एंड बी, ठीक है, जहां क्यू स्टोर ऑफ चार्ज इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है, विच ऑफ द कैपेसिटर हैज हाई कैपेसिटेंस। देखो आप ये जानते हो क्यू इज इक्वल टू सी वाई, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूं ये मेरा है वाई, ये मेरा क्या है वाई, सी को, अब देखो मेरी बात सुनो, जब भी छोटी सी बात बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात को, क्यू इज इक्वल टू सी वी में अगर ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो ये होता है हमारा स्लोप, क्या होता है स्लोप, मतलब टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। तो ग्राफ पता कैसा आता है, ग्राफ ऐसा आता है, सुनो मेरी बात सुनो, सुनो, तो ग्राफ ऐसा आएगा, देखो यहां पर क्यू होगा और यहां पर होगा वी, यहां पर क्या होगा वी, तो जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस वो टेन थीटा के बराबर होता है ऐसे ग्राफ के लिए। अगर इधर क्यू लिखा हो, इधर वी लिखा हो, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है ऐसे ग्राफ के लिए। पर भाई साहब क्वेश्चन बनाने वाले ने उल्टा बनाया है, तो हम बोलेंगे जो कैपेसिटेंस होगा हमारा वन बाई टेन थीटा होगा, क्या होगा वन बाई, क्योंकि ग्राफ ही उल्टा कर दिया। देखो सी का मतलब टेन थीटा, जब इधर क्यू लिखा हो इधर वी लिखा हो, पर उसने इधर वी कर दिया, इधर क्या कर दिया क्यू, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो सी होगा वो उल्टा हो जाएगा टेन थीटा, क्या उल्टा हो जाएगा वन बाई टेन थीटा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो वन बाई टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे फिर, अब हम बोलेंगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि ये सब ग्राफ राफ है, चार्ज वार्ज स्टोर हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वी अक्रॉस द प्लेट ऑफ टू कैपेसिटर ए एंड वी वर्सेस इंक्रीज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज, चार्ज और वोल्टेज के बीच का ग्राफ बनाया गया है दो के लिए, ए और बी के लिए, विच ऑफ द कैपेसिटर हैज हायर कैपेसिटेंस, किसका कैपेसिटेंस हायर है, किसका कैपेसिटेंस, तो भैया कैपेसिटेंस जो है टेन थीटा के इनवर्सली है, वैसे कैपेसिटेंस तो टेन थीटा ही होता है, पर ग्राफ उल्टा बनाओगे तो हम थोड़ी ऐसे मानेंगे, तो बताओ जिसका एंगल बड़ा होगा सर कैपेसिटेंस क्या होगा कम, तो हम बोलेंगे ए का एंगल बड़ा, ए का एंगल क्या है, तो हम बोलेंगे थीटा ऑफ ए बड़ा है, थीटा ऑफ ए बड़ा है थीटा ऑफ बी से, चार्ज लग रहा है तो टेन थीटा, हम बोलेंगे देखो स्लोप ऑफ, स्लोप बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ ए स्लोप ऑफ बी से बड़ा है, इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ ए बड़ा होगा कैपेसिटेंस ऑफ, यही इसका आंसर है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो मैंने ट्राई किया कि दो चैप्टर, चैप्टर वन और चैप्टर टू से जो भी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, मतलब मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ये,
अब आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। मैंने अपनी तरफ से जितना लगाना था लगा दिया, गलत दिख देगा मैंने, अरे हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी सॉरी, अरे ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जिसका एंगल बड़ा होगा, ध्यान दो दोबारा, सॉरी मैं खुद ही बोल रहा था, सुनो, जिसका एंगल बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, छोटा होगा ना, अरे दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली है, जिसका एंगल बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम, एक सेकंड रुक जाओ, ध्यान दो, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका एंगल बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम, तो स्लोप अगर ए का बड़ा है, स्लोप अगर ए का बड़ा है तो कैपेसिटेंस ए का क्या होगा, क्योंकि देखो मैंने इस वाले का कर दिया ना आंसर, यहां पर सी टेन थीटा के डायरेक्टली होता है, जिसका एंगल बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा, पर यहां पर ग्राफ उल्टा होने की वजह से जिसका एंगल बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, छोटा, कम होगा। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, एंजॉय योर डे, भगवान आपको खूब भला करे।